हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल इस समय साफ नजर आ रही है। इसी बीच हरियाणा चुनाव से पहले एक बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस के कुनबे में इजाफा होने जा रहा है और ये इजाफा होगा कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन करने से। आपको एक गाना जरूर याद होगा जिसके बोल थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस गाने के साथ कन्हैया मित्तल सुर्खियों में आए। तभी से ये बातें उठना शुरू हो गए कि कन्हैया मित्तल पूरी तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन राजनीति हमेशा अपना फायदा देखती है और ये बात एक बार फिर से साबित हुई है जब खबर आई कि कन्हैया मित्तल का मोह बीजेपी से भंग हो गया और वो कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार है। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा। ऐसे में कन्हैया मित्तल की उम्मीदों पर जब पानी फिरा तो उन्होंने कांग्रेस में अपनी राजनीतिक राहें तलाशनी शुरू कर दी। हालांकि कन्हैया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी से आसानी से उनको टिकट मिल सकता था। हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें, और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। अब ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि कन्हैया मित्तल हैं कौन और उनको किस तरीके से पहचाना जाता है। कन्हैया मित्तल मूल रूप से चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं। भजन गायक के रूप में कन्हैया मित्तल को पहचाना जाता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने से कन्हैया मित्तल की पहचान बनी, और इसके बाद कन्हैया मित्तल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। कन्हैया मित्तल का गाना उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यक्रम में भी खूब बजा। इस दौरान कन्हैया मित्तल अक्सर बीजेपी के कार्यक्रम में भी नजर आए, लेकिन अब कन्हैया मित्तल बीजेपी से दूर कांग्रेस का साथ निभाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री से कांग्रेसी खेमा भी खुश नजर आ रहा है, जिसको उम्मीद है कि कन्हैया के पार्टी ज्वाइन करने से उनको फायदा जरूर मिलेगा। कन्हैया मित्तल जी का मैं अभी देख रहा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वही है जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं, कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कन्हैया मित्तल के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही बीजेपी को ये उम्मीद है कि हरियाणा के चुनाव पार्टी को बंपर जीत हासिल जरूर होगी। कह सकता हूं तो डबल इंजन चल रहा है, एक तरफ केंद्र की सरकार भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार। यहाँ पर हरियाणा में आप देखिएगा रिकॉर्ड होगा, जो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला, देश की जनता ने दिया, उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ।